लास्ट में एक बार आपको आपको से दिखा रही हूँ। अब ऐसे गिनेंगे 100, 200, 300, 400, 500, 600 से, ठीक है। और 10 में आप फिंगर रखिए कि 10 एक 10 लिखे, फिर 10 लिखे, फिर 10 लिखे, फिर 10 लिखे, फिर 10, फिर 10, फिर 10, इसको प्लस कर लें, ठीक है, जैसे आपको दिखाना। या फिर ये भी कर सकते हैं, 10 में 10 ऐड करेंगे 20, 20 में 10 करेंगे 30, 30 में 10 करेंगे 40, 40 में 10 ऐड करेंगे 50, 50 में 10 करेंगे 60, 60 में 10 करेंगे 70, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये है 775, जिसके मतलब होते हैं HTU। पहले हम सेवन उठा देंगे क्योंकि ये 100 में है, ये 10 में है तो 10 में उतारेंगे 7, और 5 में हर किसी में फर्स्ट उतारेंगे, उसमें तो है ही 1 वर्ड, तो ये ठीक है। इसका मतलब है 775, ठीक है। और फिर आप डॉक्टर दे दें HTU, ये ड्रॉप कर दें, ठीक है। अब जो है ये आ गया, ठीक है। इन्होंने एक एग्जांपल दी कि जो है ये जो वन बॉक्स है ये 100 का है, ठीक है। इन्होंने लिखा है इन कितने 100 है, 100, 200, 300, 400 का, ठीक है। 4 लिख दिया इधर 100 के बॉक्स में, आपने 4 लिख दिया क्योंकि ये 400। अब ये 10 से, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब ये 10 बार इसमें जो है 10 है, तो कितने हैं, कितनी बार 10 है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 लिख दिए, 5 वंस कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। 100 टेंस यूनिट, मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है, कि 100 वाले ये टेंस वाले ये वंस वाले, 100 वाले मतलब इसमें 2 0, इसमें 1 0, इसमें 1 0 नहीं है, ठीक है। अब ये 100 ये जो है 100 का, क्योंकि हमें यह बता दिया गया, एक एग्जांपल दी, ये तो हम गिनने मतलब गिनने का तरीका मैंने आपको पहले बताया, ठीक है, जो बुक में कराया था। अब जो है एक बॉक्स 100 का है, ठीक है, तो कितनी बार 100 है, 100, 200, 300, 400, तो ये 4 आ गई, ठीक है। ये भी हमने गिना है कि 10 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कितनी बार 10 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ये 4, 5, 8 क्या बनता है, 458। तो यहाँ लिखा है इनवर्ट्स में, पहले नंबर में उतारना है फिर इनवर्ट्स में उतारना है, ठीक है। यहाँ 400 है क्योंकि इन्होंने 400 लिखा है, और ये 50 है, और ये 8, इस तरह से हर बॉक्स 100 का, लेकिन कितनी बार है हम ये काउंट करेंगे, 100, 200, 300, 3 टाइम्स 3 आएगा, टाइम से कुछ भी गिवन नहीं है, तो 0 का 0 तो 1, 2, 3, 4, 5, इसके मतलब है 305, ठीक है। क्या मतलब है 305, अब हम 3 लिखेंगे, पता है ये बॉक्स 100 का है क्योंकि इतना ही बॉक्स हमारी पहली वाली बुक में भी था और यहाँ भी ऐसा ही बॉक्स है, लेकिन कितनी बार 100 है, 100, 200, 300, 400, 500, 600, ये 6 बार 100 है। एक बार गिनते 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, 7 टाइम,
7 10 10 7 10 10 तो मतलब ये टोटल 17, यानी 7 बार 10 बॉक्स, ठीक है। तो 7 लिख दो, 1 2 3 4 5 6, इसके साथ कोई भी जीरो नहीं, ठीक है। इसके साथ जीरो है क्योंकि टोटल 70 है। 1 टाइम 10 है, 2 टाइम है, 3 टाइम है, 4 टाइम है, 5 टाइम है, 6 टाइम है, 7 है, ठीक है। क्योंकि है ही 110 यूनिट, तो 100 है तो आप दो जीरो लगा लें ऐसे, ताकि आपको समझ आए। इसमें ही 10 है, आपने देखा कि ये 10 है, आपको गिनना है कितनी बार 10 है। 1 टाइम है, 2 टाइम है, 3 टाइम है, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, 7 टाइम, 7 टाइम है। और 10 के मतलब होते ही 8 टाइम्स के अंदर ये जीरो वाले हैं, तो इसमें एक जीरो लगा दो, ये टोटल 70। और आप गिनेंगे तो भी 70 होगा, और इसमें कुछ नहीं होगा। 676, यहाँ भी हम ऐसे ही कर सकते हैं, 676। तो आप 6 ले लेंगे क्योंकि 100 के लेंगे, 7 ले लेंगे और ये 6 ले लेंगे। हमें पता होता है कि पहला बॉक्स एच टी यू, ये 100 वाला है, ये 20 वाला है, ये 10 वाला है, ये 10 वाला नहीं। लेकिन फिर भी हम काउंट करना सिखा दिया कि आपको पता है कि जो बॉक्स है ही 100 का, क्योंकि हमने पहले भी काउंट किया था, वो ऐसे ही साइज का था, तो वो भी 100 का था, ये भी 100 का। कितनी बार 100 है तो हमें वापस एक बार करके दिखा रही हूँ, ठीक है। 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, 6 टाइम 100। तो इस 100 के 20 उतार लेंगे ताकि हमें ईजी हो। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 टाइम 10 है, 2 टाइम है, सेम ही तो सारे 10 10 है, 2 टाइम 10 है, 3 टाइम 10 है, 4 टाइम है, 5 टाइम है, 6 टाइम, 7 टाइम, 7 टाइम है, 7 उतारेंगे, 10 से वैसे ही 0 होता है। और हम इसको करेंगे भी ना एंड तो 7 है, क्योंकि ये ईजी भी है। 1 2 3 4 5 6, लेकिन 100 वाले बॉक्स में आप 6 लेंगे क्योंकि है ही 100, तो इसका मतलब 100, लेकिन हमें उतारना पड़ता है पहला नंबर। 10 वाले बॉक्स में हम 7 लेंगे क्योंकि है 70, उतारना पड़ता है पहला नंबर। 6 वाले बॉक्स में 6 ही आएगा क्योंकि ये इसका मतलब ही एक ही डिजिट होता है। अब आपको इनवर्ट में लिखना है, ये क्या है 600, तो आप लिखेंगे 6 70। इनवर्स लिखने के लिए आपको इजी 6। आप एक एक चीज काउंट करने नहीं बैठेंगे, लेकिन इसका एक तरीके का जो सिखाया था वो हमें पता था कि हम कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने आपको पहले सिखाया। और ये उतने ही साइज के बॉक्स, सही, एक बॉक्स 100 का, 100 का सारे सेम साइज के, फिर मैंने आपको काउंट करना सिखाया इधर भी इधर। अब आ जाए डीपर, क्योंकि 100 का 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 है, और 8 में हम 0 लगाएंगे क्योंकि टोटल 8 बार 100 है। 100 का बॉक्स 8 बार है, पता चल गया हमें 2 बार 0 है। ये बिल्कुल सेम साइज है, उसके साथ भी 10 का, ये 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम 6 टाइम 7 टाइम 8 टाइम 9 टाइम, ये 9 टाइम 10 है। तो 10 के मतलब तो 0 तो यहाँ 0 लगाना, ठीक है। हम ऐसे भी कर सकते हैं इजी, 1 और 2, इसमें कोई 0 नहीं लगता। तो ये टोटल है 896। तो हम पढ़ते हैं तो ऐसे पढ़ते 896। तो नंबर में हम पहले 8 ले लेंगे, इसका पूरा नहीं उतारते क्योंकि बॉक्स 100 क्या है पता है, 9 भी पूरा नहीं उतारते, बॉक्स 30 का भी पता है, 2 भी पूरा नहीं उतारते, सिर्फ 2 ले लेते हैं। इसमें हम यही उतार लेंगे, अब हम उतारेंगे 8
दो नंबर आता है तो स्लैश भी, ये भी लगा दो ठीक है। अब जो आपने ये रफ वर्क यहाँ बॉक्सेस में बनाया इसको रफ कर दो, सिर्फ बॉक्स वाले रह जाएंगे, बॉक्सेस के बाहर वाला ये हो गया।